नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल स्टार रोहित में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्टार रोहित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी फेसबुक पर 4,000-5,000 फ्रेंड हो गए हैं और कुछ फ्रेंड मतलब डीएक्टिव हैं और आप उनको चाहते हो ऑन फॉलो करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही इजी, आप उन सभी फ्रेंड को ऑन फॉलो कर सकते हो, या आप चाहते हो कि सभी फ्रेंड को जितने 4,000 या 5,000 फ्रेंड है उन सभी को मैं वन क्लिक में ऑन फ्रेंड कर दूं, तो बहुत ही इजी है। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और जैसे मैंने बताया जैसे वीडियो में आपको वैसे ही करना है। अगर गाइज अगर आप एक एक करके सभी को ऑन फॉलो करने बैठ गए तो कम से कम तो आपका 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद होगा और उसी के साथ भी आपका फ्रेंड भी ऑन फॉलो नहीं हो पाएगा। लेकिन गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जस्ट वन क्लिक के अंदर आप उन सभी फ्रेंड को ऑन फॉलो कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे गाइस आपको एक ब्राउजर इंस्टॉल कर लेना है, कीवी ब्राउजर। तो ये जो सर्च बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे आपको सर्च करना है कीवी ब्राउजर, ये वाला ब्राउजर आ जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद आपको करना क्या है, सीधे आपको ओपन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप ओपन करोगे तो किसी टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने फेसबुक फ्रेंड दिखा देता हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो फ्रेंड कितने जल्दी रिमूव यानी कि ऑन फॉलो हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। अब मैं फेसबुक ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आपको प्रोफाइल में चेक करा देता हूँ कि मेरे कितने फ्रेंड हैं। तो गाइस यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हो कि 225 फ्रेंड, आप नीचे में देख लो यहाँ पे अभी 225 फ्रेंड है जो कि बहुत ही कम है। अगर आपके 10,000 भी 4,000 भी फ्रेंड है तो उनको बहुत ही आसानी से आप ऑन फॉलो कर सकते हो। अब गाइस आपको करना क्या है, इसी ब्राउजर में एक न्यू टैब ओपन करना है। अब यहाँ पे आपको जो ऊपर में सर्च बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च करना है क्रोम वेब स्टोर, तो ये वाला आपको सर्च करना है। देख लीजिए मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, क्रोम वेब स्टोर। जैसे गाइस आप सर्च करोगे क्रोम वेब स्टोर तो आपके सामने कुछ रिजल्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली नीचे आना है और यहाँ पे देख लीजिए chrome.google.com/web-store, तो इस वाले लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स, यहाँ पे आप कोने में आप देख सकते हो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख रहा है सर्च द स्टोर। तो यहाँ पे गाइस आपको सर्च करना है मल्टीपल टूल्स फेसबुक, तो यहाँ पे गाइस आपको सर्च करना है मल्टीपल टूल्स फेसबुक। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे आप देख लो कि आपके सामने ये वाला रिजल्ट आएगा मल्टीपल टूल फॉर फेसबुक ये वाला, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, ये देख सकते हो मल्टीपल टूल्स फॉर फेसबुक। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऐड टू क्रोम, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का पॉपअप आया, तो यहाँ पे ओके के ऊपर आपको क्लिक कर देना है सिंपली। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे में आया था डाउनलोडिंग और कुछ ही देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये जो हमारा एक्सटेंशन था वो डाउनलोड हो गया है और कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि आपका जो फेसबुक है वो इस ब्राउजर में लॉगिन होना चाहिए, यानी कि इसमें जो कीवी ब्राउजर है इसमें आपको फेसबुक ओपन करके आपको लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट आप देख रहे हो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल टूल्स फॉर फेसबुक, यहाँ पे नीचे में देखो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे देखिए आपको कट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे कट के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये वाला कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लो 3 लाइन दिया रहा है, इसके ऊपर मैं फिर से क्लिक करता हूँ और फिर से मैं कट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो रहा है। गाइस ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है टूल्स का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे देखो आपको फ्रेंड्स रिमूव का ऑप्शन देखने को मिल रहा है।
इसके ऊपर फ्रेंड्स रिमूव के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब गाइस आपको सिंपली नीचे आना है, जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक देखने को मिल रहा है 10 रॉ, यानी कि आपके 10 फ्रेंड यहाँ पे आ गए हैं। तो आपको कैसे सभी फ्रेंड को रिमूव करना है ये जानिए गाइस। तो यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा 10 रॉ के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक देखने को ऑप्शन मिल रहा है 100 रॉज, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके 100 फ्रेंड आ चुके हैं लिस्ट में, यहाँ पे आप देख लो ये 100 फ्रेंड आ गए हैं। अब इनको आपको क्या करना है, ऑन फॉलो करना है गाइस। तो ऑन फॉलो करने के लिए आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा, तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है टिक करने का, यहाँ पे आपको सभी के ऊपर टिक कर देना है। आप देख सकते हो 100 फ्रेंड्स टिक हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है बाय बाय का ऑप्शन, इसके ऊपर गाइस आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करोगे तो ये पूछेगा आर यू श्योर, क्या आप श्योर है कि आप सभी 100 फ्रेंड को आपको ऑन यानी कि ऑन फ्रेंड करना है, तो आपको करना है यस मैं श्योर हूं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऑन फ्रेंड, इसके ऊपर गाइस आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑन फ्रेंड के ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी को ये रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है। कितना इजीली ये सभी आदमी को रिमूव कर रहा है आप देख सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है। फिर मैं आपको अपना फेसबुक पे जाकर आपको दिखा भी देता हूँ कि क्या हमारे फ्रेंड्स कम हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये सभी को मतलब ऑन फ्रेंड करना स्टार्ट कर दिया है और आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है। और फिर क्या करना है कि फिर आपको 100 के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे सभी को टिक करना है और फिर ऑनफ्रेंड के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर सह करके आप ऑनफ्रेंड कर सकते हो, वो भी मिनटों में गाइज। आप देख सकते हो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल आपके सामने दिखाया कि कैसे फ्रेंड रिमूव हो रहे हैं। तो आप देखो कि ये फ्रेंड सभी क्या हो रहे हैं कि रिमूव हो रहे हैं, यानी कि ऑनफ्रेंड ये ऑटोमेटिक सभी हो रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया इस वीडियो में आपको भी वैसे ही करना है। तो गाइज आप देख लो ये इतने सारे फ्रेंड ऑन फ्रेंड हो गए हैं। तो कुछ अगर हम वेट करते हैं और जैसे 100 कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हम चलेंगे अपने फेसबुक के ऊपर और देखेंगे कि हमारे कितने फ्रेंड ऑन फ्रेंड हो गए हैं। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो कि मैंने 100 फ्रेंड को ऑन फ्रेंड किया था और ये हमारा जो 100 फ्रेंड था वो ऑन फ्रेंड हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फिनिश जॉब डन। अब हम क्या करते हैं, आप देख लो ये सभी 100 फ्रेंड थे जिनको मैंने ऑन फ्रेंड किया अभी जस्ट 1 क्लिक के अंदर। अब गाइज हम चलते हैं अपने फेसबुक के ऊपर और देखते हैं हम फेसबुक के ऊपर कि हमारे कितने फ्रेंड ऑन फ्रेंड हुए हैं। तो मैं इस प्रोफाइल को क्या करता हूँ कि रिफ्रेश कर देता हूँ और आपको नीचे में देख लो कि 225 हमारे फ्रेंड थे और आप नीचे में देख सकते हो कि जस्ट 125 फ्रेंड हैं, यानी कि 100 फ्रेंड को ऑन फ्रेंड कर दिया है और बहुत ही इजीली हमने ऑन फ्रेंड किया था सभी को, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था इसमें। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत आता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना है। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करना है, आपको मैं जस्ट रिप्लाई दे दूंगा और जो भी आपके सवाल होंगे उनका मैं रिप्लाई दे दूंगा और आप जाके कर लेना, आपके इस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज हम फिर मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा।